What's up guys? आज का ये वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं बुलेट्स वायरलेस जी का अनबॉक्सिंग एंड मैं आपको इसमें मेरा पूरा क्लियर रिव्यू देने वाला हूँ क्योंकि यार दोस्तों मैंने जब वन प्लस नॉर्ड को बुक किया था जो प्री ऑर्डर किया था तो उसी के साथ मुझे ये एज अ गिफ्ट में आने वाला था एंड भाई ये आ चुका है गिफ्ट में और मैंने साथ में एक सैंडस्टोन ब्लू जो केस है वो भी मैंने मंगवाया है तो उसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। आज हम पहले ये देख लेते हैं कि इसके अंदर से बॉक्स में से आता क्या है। ये आप देख सकते हो इसे इनफैक्ट मैं काफी दिनों से मैं इसे यूज भी कर रहा हूं तो आपके लिए मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग की जो वीडियो को शूट कर ली है तो उसको हम पहले जल्द से जल्द देख लेते हैं एंड उसी के साथ फिर हम इसका रिव्यू भी देख लेंगे। सो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको इसमें सारे के सारे जो प्रो टिप्स है जो भी इसके बढ़िया से पॉइंट्स है और जो भी इसके नेगेटिव पॉइंट्स है वो भी मैं आपसे जरूर शेयर करने वाला हूं। सो दोस्तों अब तक अगर आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एंड अगर उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी नहीं दबाया तो यार वो भी दबा दीजिए एंड दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि आप जो भी 2000 रुपीज इन्वेस्ट करके अगर ऐसे कोई हेडफोन्स लेना चाहते हो देन वेदर शुड यू गो फॉर दिस और नॉट दिस वीडियो विल डेफिनेटली गिव यू अ क्लियर आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो मैं आपको इसका एक क्विक अनबॉक्सिंग बता देता हूं। ये है वन प्लस के बुलेट्स वायरलेस जी एंड ये इसकी फ्रंट डिजाइन, ये साइड डिजाइन, इसके बैक में वॉक चार्ज, लॉन्ग बैटरी लाइफ, मैग्नेटिक कंट्रोल, वाटरप्रूफ है, क्विक स्विच है एंड लो लेटेंसी मोड है। ये सारी चीजें लिखी है। इसके MRP आप देख सकते हो 2190 लिखा है एंड मंथ एंड ईयर ऑफ इम्पोर्ट June 2020 एंड ऑल अदर डिटेल्स। अब हम इसे ओपन कर देते हैं। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये शानदार है, आलीशान, क्योंकि वन प्लस का लोगो, आई मीन एवरीथिंग इज, देखिए मैंने आपको जैसे बताया रेड कलर तो भाई इन्होंने ट्रेडमार्क कर दिया है एंड ये पूरा प्लास्टिक पैकिंग में है तो ये कहीं से भी ओपन नहीं है विच इज रियली गुड। चलो अब हम इसे ओपन कर देते हैं। ये है मेरा कटर। सो ये हो गया ये अनबॉक्स एंड ये सिर्फ अभी भी स्टिकर है दोस्तों, ये रियल नहीं है। रियल तो अंदर है, जो माल मसाला है वो अंदर है। दिस इज द मेन वायरलेस जी हेडफोन्स। और क्या आता है अंदर हम देख लेते हैं। ये अगेन वन प्लस का ट्रेडमार्क किया हुआ रेड कलर। दिस इज द स्मॉल, क्या कहे इसको, बहुत प्यारा लग रहा है। अंदर क्या क्या चीजें वो देख लेते हैं। रेड केबल क्लब की डिटेल्स, वन प्लस वायरलेस बुलेट्स वायरलेस जी की थोड़ी बहुत बुकलेट्स। और क्या दिया है अंदर, हाँ कुछ तो है, अभी तक हाथ में नहीं आ रहा है। ओके सो ये दिया है चार्जिंग केबल, ठीक है। सो नाउ दिस आर ऑल द थिंग्स जो हमें बॉक्स में मिली है। अब चलो इसका रिव्यू हम कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि इसकी एग्जैक्टली क्वालिटी वगैरह हर चीज कैसी है। सो दोस्तों कैसी लगी इसकी अनबॉक्सिंग जो मैंने आपको अभी बता दी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसका क्लियर एंड एग्जैक्ट रिव्यू। अब दोस्तों अगर सबसे पहले अगर इसकी मेक की बात करें तो ये पूरा जो है यहां से ये पूरा रबराइज्ड मेक है एंड ये अपने आप में ही एक अलग ही मेक है क्योंकि ये जैसे इन्होंने बताया है कि ये एक स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है तो ये दिखता है। ये वाटर प्रूफ नहीं है तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, इसे कल को जाके यार पानी में डूबो मत देना नहीं तो ये डूब जाएगा और आपके पैसे डूब जाएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब इसमें जो है ये सारे जो बटन्स हैं ये काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है पावर ऑन का बटन, ये जैसे ही हम इसे ऑन करते हैं तो इसकी जो है ये LED भी चल पड़ती है और ये काफ़ी बढ़िया है। और यही बटन जो है ये एक ड्यूअल बटन है, मतलब कि इसमें कुछ इस तरीके का फंक्शन है कि इसे जब आप दो बार आप क्लिक करोगे तो इस हेडफोन को अगर आपने दो डिवाइसेस के साथ पैर किया है, हाँ इसे आप दो डिवाइसेस के साथ इजीली पैर कर सकते हो और आप इजीली स्विच भी कर सकते हो इसी बटन के थ्रू। तो जैसे आप इस बटन को दो बार प्रेस करोगे तो ये जो है आपके पहले से दूसरे डिवाइस में तुरंत कनेक्ट
हो जाता है। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आपके दोनों डिवाइसेस में आपको ब्लूटूथ ऑन रखना है। अब इसका प्रैक्टिकली एक बहुत बढ़िया यूज है, यहाँ पे मैं आपको एक प्रोटेक्ट दे रहा हूँ कि अगर आप एक लैपटॉप यूज करते हो जिसमें ब्लूटूथ है और आपके पास आपका मोबाइल फोन भी है प्राइमरी फोन, जिससे आप फोन्स भी यू नो पिकअप करते हो, तो ये काफी ईजी हो जाता है। अगर आप कोई यू नो अगर आप कोई मूवीज या कुछ भी आप देख रहे हो अपने लैपटॉप पे, तो इजीली आप उसे स्विच ओवर कर सकते हो। यहाँ पे फोन आया नहीं, आप सिर्फ इस बटन को दो बार प्रेस कर दीजिए, ये जब रिंग बज रही है तभी भी ये तुरंत कनेक्ट हो जाता है। इसकी कनेक्टिविटी जो है स्विचिंग कनेक्टिविटी भी बहुत फास्ट है, विद इन सेकेंड यहां से वहां ये दूसरे डिवाइस पे चला जाता है। तो बाय द टाइम आप उस फोन को आंसर करने के लिए स्वाइप अप करोगे, तब तक में तो ये कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद बात करें कॉल क्वालिटी की, तो इसमें कॉल क्वालिटी काफी बढ़िया आती है, अनटिल एंड अनलेस आप एक्सट्रीमली नॉइजी एनवायरनमेंट में हो। तो अगर आप ऐसे मतलब यू नो अगर आप कभी आप ट्रेन में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप शायद एकदम से बाइक चलाते हुए अगर बात कर रहे हो, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है कि जहां पे हवा का फोर्स काफी ज्यादा हो तो शायद सामने वाले को थोड़ी सी सुनने में दिक्कत आ जाए। अब ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैंने ये ट्राई किया है तो ये मुझे पता है। बाकी अगर नॉर्मल अगर आप एनवायरमेंट्स में अगर आप बात करते हो ड्यूरिंग लाइक यूजिंग इट ड्यूरिंग योर ऑफिस आवर्स, या घर पे भी आप नॉर्मली आप बात कर रहे हो अगर सर पे यू नो एक दो पंखे चल रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट वर्क्स रियली वेल। सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आप एक ब्लूटूथ का हेडफोन यूज कर रहे हो, विच इज अगेन अ वायरलेस वन। फिर अगर इसके बाद हम बात करें, इसमें हमें और जो बटन्स के रूप में मिलता है दैट इज हियर, यहाँ पे हमें मिल जाते हैं माइनस एंड प्लस करके वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन्स, एंड ये बीच का जो बटन है दैट इज अ फंक्शन बटन। सो ये बेसिकली आपको ये प्ले एंड पॉज करने में काम आता है व्हाइल यू आर यूजिंग इट विद योर मोबाइल फोन, एंड ये काफी बढ़िया तरीके से काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, द रिस्पॉन्स इज प्रेटी क्विक, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। अब बात करें इसके नेक्स्ट फीचर की, विच इज दिस द मैग्नेटिक दिस थिंग। अगर इससे क्या होता है कि अगर आपने इसको ऐसे मैग्नेटिक से बंद कर दिया, तो इस टच के बाद ये एक्चुअली ये हेडफोन्स भी बंद हो जाते हैं, तो आपका जो हेडफोन्स है ये अगर कनेक्टेड है फोन के साथ तो ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। द मोमेंट आप इसे अलग करो तो ये हेडफोन्स ऑन हो जाते हैं और आपके फोन से इनका कनेक्शन वापस बन जाता है। तो दिस इज सो गुड कि आपको हर बार ना कोई ऐसा कोई बटन बटन दबा के आपको इसको बंद नहीं करना पड़ता। एंड ये ज़्यादातर मैंने देखा है जो हम जो ब्लूटूथ के हेडफोन्स यूज़ करते हैं, तो यार उसमें आपको या तो प्रेस करके दो सेकंड दबा के रखो फिर बंद करो, या उसको किसी डिब्बिया में डालो, वो डब्बी में रखना है एंड ऑल, ये सब कोई कहते ना भाई वो और एक्स्ट्रा कैरिंग वाली चीज़ हो जाती है। इसका तो बस क्या करना है, आपको इसको यूज़ करना है, आपने इसको गले में लगा के रखा है, बस इसको ऐसे ही कर दिया तो ये अभी शट डाउन है, किसी का कॉल आया बस आप इसे ओपन कीजिए लगा दीजिए, एंड भाई ये इजीली तुरंत एक सेकंड में कनेक्ट हो जाता है एंड बिल्कुल इसमें जो है दिक्कत नहीं आती। इनफैक्ट इसकी जो लेटेंसी है वो भी काफ़ी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैंने इसके लेटेंसी का जो टेस्ट किया ना वो मैंने फॉर माई यूट्यूब की जो वीडियोज़ हैं वो एडिटिंग में मैंने यूज़ किया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे लैपटॉप पर जब मैं वीडियोज़ को एडिट करता हूँ तो उस एडिटिंग के टाइम पे काफ़ी हाई लोड लगता है, एंड उसी के चलते अगर आप कोई भी ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स यूज़ करो ना दोस्तों, तो उनको ज़रूर पता होगा अगर आपने किसी ने यूज़ किया है तो, कि आपको साउंड जो है वो बाद में आता है। अगर आप ब्लूटूथ यूज़ करो तो कम से कम 2 से 3 सेकंड का एक फ़र्क आ जाता है, वो लिप सिंकिंग में पता चल जाता है, बट यार इस हेडफोन के साथ मुझे ये दिक्कत नहीं आई। अब अगर हम बात करें बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग की, तो ये दोनों ही चीज़ इसमें गजब दी है, मतलब तोड़ फोड़ चीज़ है भाई। अब इसमें क्या है कि बैटरी लाइफ के चलते कंपनी ने तो ये क्लेम किया है कि आप इसे एक बार आप 100% चार्ज कर लो तो ये 20 आवर्स तक आपको नॉनस्टॉप एंड बढ़िया बैटरी देगा। एंड मैंने खुद ने जब इसे पर्सनली यूज़ किया तो मैंने इसे नोट डाउन भी किया, रिकॉर्ड भी किया है कि मुझे खुद को भी इसमें अराउंड 17 आवर्स की अमेजिंग बैटरी लाइफ मिली है। मैंने उस दौरान जो जितना भी मल्टीमीडिया कंटेंट हो सकता था मैंने व्यू किया है, ना ही सिर्फ मोबाइल पे, इनफैक्ट मेरे लैपटॉप पे भी, इनफैक्ट मैं मेरे यूट्यूब के एडिटिंग के लिए भी मैं इसे यूज़ करता हूँ जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो भाई इसकी बैटरी लाइफ मुझे तो ज़ोरदार मिली है। एंड इसकी और एक अच्छी चीज़ ये है कि जो ये कंपनी बताते हैं कि 10 मिनट में आपको ऑलमोस्ट 10 घंटे के यूरो इतनी बड़ी आपको चार्जिंग मिल जाती है कि यार ये ऑलमोस्ट 10 आवर्स तक लास्ट करती है। मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि अगर मैं OnePlus का जो 30 वॉट्स का जो वॉप चार्जर आता है नॉर्मली OnePlus फोन्स के साथ, मुझे जो OnePlus Nord के साथ मिला है मैंने उसे भी यूज़ किया, तो ये मुझे 20 to 25 मिनट्स के अराउंड में ये मुझे फुल 100% तक चार्ज करके मिल जाता है। एंड नाउ इफ यू आस्क मी कि हाउ इज दिस वन टू बाय और मेरा इसमें रिव्यू क्या होगा, तो मैं आपसे ये क्लियर बता दूं यार दोस्तों कि अगर आपको एक सुपर डुपर वैल्यू फॉर मनी वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स चाहिए ना,
जो ऐसे आपके नेक सपोर्ट पे रहे आराम से, तो भाई आपको ये डेफिनेटली बाय करना चाहिए। दिस इज समथिंग यू शुड पुट योर मनी ऑन इफ यू आर थिंकिंग टू बाय अ ब्लूटूथ वायरलेस हेडफोन्स। रीजन सिंपल है दोस्तों, सिर्फ 2000 रुपए मांग रहे हैं आपसे और उस 2000 में आपको ये दे रहे हैं अल्ट्रा ड्यूरेबल, क्योंकि अगर ये कितनी भी बार गिरेगा ना, इसको कुछ नहीं हो रहा है, ये मैंने देख लिया, ये काफी ड्यूरेबल है। ये स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, इसकी बैटरी काफी लंबी चलती है एंड काफी कम टाइम में जो है ये चार्ज भी हो जाता है। क्वालिटी की अगर बात करें तो भाई कान में म्यूजिक वगैरह जो बजता है दैट इज नेक्स्ट लेवल। एंड इनफैक्ट अगर आपके पास वन प्लस का फोन है तो भाई इसमें और भी ज्यादा आपको डायनामिक एंड बढ़िया साउंड मिल जाता है। साउंड की बात करें तो ओवरऑल काफी अच्छा साउंड है। अगर आप मेरी तरह एक ऐसे इंसान हो कि जो भाई जो हर किसी वैरायटी का म्यूजिक सुनते हैं या वीडियोस देखते हैं, तो आप कभी भी इसे निराश नहीं होने वाले हैं। इसमें काफी बढ़िया हर चीज दी गई है। सो दोस्तों, यही है मेरा रिव्यू कि भाई आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्योरली वैल्यू फॉर मनी वाली चीज है। इनफैक्ट इसके पहले के जो ब्लूटूथ थे वन प्लस के, वो काफी ज्यादा महंगे थे, तो वो शायद मैं आपको कहता भी नहीं कि आप उसे परचेज करो, बट दिस इज समथिंग विच यू कैन डेफिनेटली गो फॉर। सो दोस्तों, बस यही है इस वीडियो में। अब मिलेंगे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।